तेरा वादा अगर वफा होगा। मिटानी, जो खुशी आज तुमने मुझे दी है वो तो मेरा सगा बेटा शायान भी मुझे नहीं दे सकता था। जी धर्म, हमेशा खुश रहो। मैं शादी के बाद जॉब कंटिन्यू रखूंगी। ये बात शायद आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगी। सैन, सैन क्या हुआ? पता नहीं चक्कर आ गया शायद। सॉरी, तुम्हें वेट करना पड़ा। शादी की तैयारियों में और सैलून की मसरूफियात की वजह से बिजी थी। शायद डाइट का सही से ख्याल नहीं रख सकी, इसलिए वीकनेस हो गई थी। तेरा वादा अगर वफा होगा। सारा आती, आप कल बहुत अच्छी लग रही थी अली भाई के साथ। अरे भाई, तुम लोगों के काम अभी तक खत्म नहीं हुए। मारिया कब से रात तक रही होगी? बस अम्मी, नाश्ता पैक हो गया, मुझे बस 5 मिनट दे, मैं तैयार होके आती हूँ, फिर निकलते हैं। अरे बेटा, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? मैं और शायान जा तो रहे। अम्मी, अगर आप ही का इतना दिल चाह रहे तो उन्हें ले जाइए ना। अरे भाई, पहले ही बहन की शादी की वजह से इसने इतनी छुट्टियां कर ली, ऊपर से अगर आज भी छुट्टी कर लेगी तो सैलरी अलग कटेगी, और वो क्या कहती हो तुम, वो टारगेट वगैरह, उसकी अलग टेंशन होगी। आप ठीक कह रही हैं, मुझे खुद सोचना चाहिए था। अरे बेटा, इसीलिए तो बड़े होते, ताकि जो बारीकियां बच्चों को ना नजर आ रही हो वो उन्हें बता सके, समझा सके। मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाती हूँ, देर हो रही है। हाँ बेटा, जाओ। अम्मी, आपने ठीक नहीं किया आपी के साथ। अरे भाई, मारिया सारी जिंदगी इसी घर में रह कर गई, अगली बार जब वो यहाँ रहने के लिए आएगी तो ये मिल लेगी उससे। अम्मी, फरा, तुम छोटी छोटी बातों का मसला ना बनाया करो। आप भी अगर आपी की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रख लेना तो मुझे भी मसला ना बनाना पड़े। फरा, तुम्हारी इन्हीं बदतमीजियों की वजह से ना, अगर किसी दिन मेरा हाथ तुम पर उठ गया तो शिकायत मत करना। जाओ जाकर देखो कि शायान तैयार हुआ है कि नहीं। अली आ गया आनिया को छोड़कर। पता नहीं अम्मी, मैं तो अभी यहाँ आके बैठी हूँ। सुनो जी, अली आ गया? जी, अभी थोड़ी देर पहले ही आए। बुलाओ उसे। क्या बात है अम्मी, क्या अली की शादी का इरादा है? थी जल्दी वो, मेरा मतलब है कि अभी तो मंगनी हुई है दोनों की, इनके रिश्ते को थोड़ा वक्त दें। मेल मुलाकात करके हम परख तो लें कि वो हमारे घर की बहू बनने लायक है भी अब नहीं। हमारे उसे परखने का या शादी को तूल देने का कोई फायदा तो नहीं है नगीन, बहू तो उसी ने बनना है ना। हाँ, ये और बात है कि वो हमारी बहू बनने का एहसास संभाल सकेगी या नहीं। जी माँ, आपने बुलाया मुझे? मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई बहुत ही गंभीर मसला डिस्कस हो रहा है ना? हाँ, मैं बस नगीन से कह रही थी कि सारा को रुखसत कर ले आते हैं। बेटे की खुशी को जल्द से जल्द पूरा करना हर माँ का अरमान होता है। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। शुक्रिया की जरूरत नहीं है बेटा, औलाद की खुशियों को पूरा करना हर माँ का फर्ज होता है।
They're the best, you know that, right? They're the best. अच्छा मैं चलता हूँ. Bye. मैं काम करती हूँ, आपके साथ अभी चलती हूँ, वहीं से सैलून चली जाऊंगी. माशाल्लाह कमरा तो बड़ा अच्छा सेट किया है, अब मुंह दिखाई में क्या दिया बिलाल. हीरिंग थी बहुत अच्छी. एक सेकेंड. ये सैम ने दिया है, बिलाल की माँ का सेट है. इकलौती बहू के हिस्से में आया. अल्लाह तुम्हें पहनना नसीब करे, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है. लेकिन उन्होंने मेरा वेलकम कोई खास नहीं किया, मेरे आते ही चकरा गई और बिलाल को देखें मुझे छोड़ के उनको लेके निकल गया. क्या सचमुच का चक्कर आ गया था? अल्लाह जाने सचमुच का था या ड्रामा था. लेकिन आप फिक्र नहीं करें, इनके ड्रामे तो मैं अच्छी तरह निकालूंगी. कोई जरूरत नहीं तुम्हें उलझने की, अच्छा खासा घर है, सुकून से जिंदगी गुजारो. लेकिन हाँ, बिलाल को तुम अपने काबू में रखना. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बेटा तुम चाय यहाँ क्यों ले आई? हम बाहर सबके साथ बैठकर पी लेते. नहीं नहीं, आप यहाँ पे आराम से बैठें और अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा. इसने हमारी बातें ना सुन ली. अरे सुन भी लियो तो किसको फर्क पड़ता है, देख लूंगी मैं इनको. आप चाय लेना, ठंडी हो जाएगी. हाँ तुम भी लो. बिस्किट भी लेना. हाँ हाँ खाती हूँ. आप तैयार नहीं हुई अभी तक? क्यों, कहीं जाना था क्या मुझे? हाँ वलीमे पे जाना था शायद. दिखावे के लिए शादी में शरीक हो गई, यही काफी था मेरे लिए. शहर ऐसा इंतजाम था वहां पर कि एक सेकंड भी मेरा वहां गुजारना ना मुश्किल हो रहा था. तो फिर अपने बेटे की शादी कैसे अटेंड करेंगे आप? उस दिन भी तो ऐसा ही इंतजाम होगा. इसके बारे में मैंने सोच लिया है. इस इतवार को मैं और तुम बात तय करने जा रहे हैं. माँ मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे इन चीज़ों से दूर रखिए, आप पली के साथ चली जाइएगा प्लीज. मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ शहीर, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हमने साथ जाना है. हम मंगनी पर बात क्यों नहीं खत्म कर सकते? शादी करवाना जरूरी है. बहुत जरूरी है शहीर, अगर अभी हमने कुछ किया तो अली हमसे दूर हो जाएगा. इसलिए खुद को उसके दिल से दूर करने के बजाय ज्यादा बेहतर यह है कि उस लड़की को उसके दिल से दूर कर दिया जाए. और ये तभी मुमकिन है कि जब वो इस घर में आ जाए, क्योंकि कुर्बतें बढ़ेंगी तभी तो दूरियां होंगी. तुम अली से कह दो कि मैं वलीमे में नहीं जा रही हूं, निघत को मैं खुद फोन करके माजरत कर लूंगी. हाँ बिल्कुल टाइम से पहुंच जाए, तुम बेफिक्र हो. अच्छा ठीक ठीक, ओके ओके ओके. मैं अली. अरे भाई अच्छे लग रहे हो. थैंक यू भाई. आप भी चल रहे हैं ना साथ? नहीं यार मैं बहुत थका हुआ हूँ. अच्छा चले कोई बात नहीं, आप रेस्ट कीजिए, मैं माँ के साथ ही शिरकत कर लूँगा. तो वो भी नहीं जा रही हैं तुम्हारे साथ? एक्चुअली वो तो तैयार हो रही थी लेकिन उनका बीपी कुछ डिस्टर्ब हो गया. क्या तुम्हें ज्यादा तबीयत खराब है? तो पहले डॉक्टर की ले जाते हैं ना उन्हें. नहीं नहीं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने उनको दवाई खिला दी है, वो आराम कर रही है. और मैंने उनका बीपी भी चेक कर लिया था, अब नॉर्मल है. थैंक गॉड.
और हाँ, उन्होंने वहाँ फोन करके माजरत भी कर ली है। चले कोई बात नहीं भाई, मैं अकेला चला जाऊँ। क्या हुआ आपको, कोई और बात भी करनी? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अली तुम खुश रहो सारा के साथ। थैंक यू भाई। पता नहीं मुझे तुम्हारी खुशी क्यों न समझ आई, मुझे मेरी जिद और अना के सामने कुछ न समझ नहीं आया। खैर, देर आए दुरुस्त आया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जो वास्तव में सारा, ये सलामी के पैसे संभाल कर रखना, कल कल आपको दूसरों को देने पड़ गए तो याद तो रहे कि किसने हमें क्या। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुमअस्सलाम। कैसी तबीयत अब शाजी? जी पहले से बहुत बेहतर है, अल्लाह उन्हें सेहत दे। मैं दो मिनट में आई। जी आप सुने सारा, एक कंफ्यूजन है मुझे। कैसी कंफ्यूजन? यही कि आप कल अच्छी लग रही थी या आज ज्यादा प्यारी लग रही हैं। आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं। नहीं, सबके साथ तो नहीं, बस आप जब साथ होती हैं तभी ऐसी बातें करने का दिल करता है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, कपल पिक्चर ले लो प्लीज। मैम टेक अ साइड। सारा, अम्मी आप उठ गई? थोड़ी देर और सो जाती हैं, अभी वलीमे की थकन कहाँ उतरी होगी। बेटा तुम चली जाती तो मैं खर्चे के पैसे किससे मांगती, घर में सब्जी वगैरह कुछ नहीं है। ये ले। अब बेटा वो इतनी महंगाई है, इतने कम पैसों में क्या आता है आजकल। मम्मी मेरे पास ये आखिरी नोट बचा है। हाँ तो ठीक है ना, मुझे दे दो, तुम ये रख लो, कुछ कमी पेशी हो जाए तो ऑफिस में किसी दोस्त से उधार ले लेना, वैसे भी चंद दिनों में तुम्हारी तनख्वाह तो आ रही है ना। अम्मी ये शायान का क्या इरादा है, उसने यूं ही जॉब छोड़ते रहना है या कोई काम टिक के भी करना है? अरे बेटा पता नहीं क्या मसला है लोगों का, फजूल में उस बेचारे को परेशान करते, थक हार कर उसे जॉब ही छोड़नी पड़ जाती है। खैर तुम उसे छोड़ो, वो शाजिया का फोन आया था कल, मैं वलीमे की अफरा तफरी में तुम्हें बताना ही भूल गई। जहां तक मेरा अंदाजा है मुझे नहीं लग रहा कि वो शादी को और टालेंगी। अभी तो मारिया की शादी हुई है, इतनी जल्दी कैसे होगा सब? भाई उन्हें भी हमारे हालात के बारे में सब कुछ पता है, अगर उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात की तो फिर शादी उन्हें सादगी से करनी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ अच्छा ही है, ये हॉल वगैरह के चक्करों से बेहतर है मैं तुम्हें घर से ही रोक सक करता हूँ। खैर अभी तुम जाओ, देर हो जाएगी ऑफिस से। हाफिस, खुदा हाफिस बेटा, देती रहो। ये क्या बनाया तुमने? तुम्हें पता है मैं और बिलाल इतना हैवी नाश्ता नहीं करते। मैंने कहा था ऐसे ये सब बनाने को। तुम जाओ। लेकिन बिलाल नहीं खाएगा ये पराठे। मेरे कहने पे वो जहर भी खा लेगा।
तो ये पराठे क्या चीज है? आखिर प्यार करता है मुझसे? अपने प्यार पे इतना घमंड अच्छा नहीं होता। अब वो प्यार ही क्या जिसमें गुरूर ना हो? तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज निकली। सैम, मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता ना तो मैं आप लोगों के लिए कुछ लाइट बनवा लेती। क्यों फजूल में ड्रामा क्रिएट कर रही हो? सैम, मैं तो सिर्फ आपकी केयर में कह रही थी। कोई जरूरत नहीं है मेरी केयर करने की। सैम, इससे आए दूसरा दिन है और आप इतना रूडली बात कर रही है। मुझे पता नहीं था बिलाल, मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता तो मैं आप लोगों के लिए कुछ लाइट बनवा लेती। झूठे आंसू है ये। सैम, क्या हो गया यार? इसे थोड़ा तो टाइम दे एडजस्ट होने के लिए। आप तो दूसरे दिन ही टिपिकल नंदो की तरह बिहेव कर रही हैं। टिपिकल नंद मैं नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी जरूरत से ज्यादा चलाक है। बिलाल, I'm so sorry. तुम फिक्र ना करो, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं समझ आ रहा है सैम क्यों नाराज हो रहे हैं। तुम बैठो, मस्त है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हो रहा है भाई ये सब? हफ्ता सफाई मनाया जा रहा है आपकी सास के आने की खुशी में। हद करते हो तुम लोग भी, देख नहीं रहे हो कि थकी हारी अभी ऑफिस से आई है वो? सांस तो ले लेने दो, जब देखो शुरू हो जाती। अमीर है इनके पैसे। सही बेटा, ये जाकर अलमारी में रख दो। जी, ये आज की तारीख में सही हो जाएगा। को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। तुम बहाने मत बनाओ, काम करो, फिर मैंने बाहर भी जाना है। बेटा सारा मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख लूंगी। उम्मीद में रख रही हूँ। अरे बेटा मैं रख दूंगी, तुम जाकर आराम करो, तुम थकी भी आई हो। क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? अरे बेटा बस तुम्हारी सास आने वाली है ना, मुझे तो हर लम्हे डर ही लगा रहता है। वो बड़े लोग हैं, कहीं खुदा ना खास्ता कोई बात उन्हें बुरी ना लग जाए। आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम जो हैं जैसे हैं उन्हें पता है। अब बेटा तुम छोड़ो इन सब बातों को, तुम जाकर कपड़े वगैरह बदलो, मैं फरा से कहती हूँ चाय का। हाँ ला, मुझे दे दो, मैं संभाल कर रखती हूँ। ठीक है। शुक्र है मैं सही वक्त पर आ गई, अगर इसकी नजर फाइल पर पड़ जाती तो कयामत आ जाती। अब इसे कहीं और रखना पड़ेगा। जितनी आजमाइशें और सख्तियां सहनी थी तुमने सहनी, तो मेरे होते हुए कोई और मुश्किल नहीं आएगी तुम पर। ये वादा है मेरा तुमसे। जी अम्मी, जी जी जी, ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज़। अम्मी का फ़ोन था, कल डिनर पे बुला रही हूँ। क्या सैम आज भी हमारे साथ डिनर नहीं करेंगी? आप कहें तो मैं बुला के लूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, कहीं तुम्हें देखकर वो फिर से गुस्सा ना हो जाए। हैरत है बिलाल, मेरे बारे में कितना नेगेटिव सोचना शुरू हो गया तुम। नहीं नहीं सैम, बिलाल का वो मतलब नहीं है जो आप समझ रही हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सैम, आपकी मारिया से कैसे बात कर रही है? मुझे उससे कुछ कहना ही नहीं, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं
मैंने कब कुछ किया है सैम? वो तो आप ही मारिया से हार्श हो रही थी बस इसलिए। मुझे जानते हो लेकिन फिर भी समझ नहीं सके कि मेरे हार्श होने के पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। लेकिन नहीं, तुम्हें क्या परवाह वजह जानने की? सैम, आप मेरी वजह से बिलाल से नाराज ना हो। मेरी नजर में तुम्हारी कोई भी अहमियत नहीं है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने भाई से नाराज हूं। लेकिन हाँ, तुमसे नाराजगी की वजह तुम जरूर हो। बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप। अच्छा अम्मी, मामा मुझे बता रही थी कि उनकी नज़र में 2-3 हानिया के लिए बहुत अच्छे प्रपोजल्स हैं। अगर आप कहें तो उनसे कहूँ बात आगे बढ़ाने के लिए? ये होता है ख़ानदानी बहू लाने का नतीजा, खुद से सारी बातों का ध्यान रहता है तुम्हें। हाँ हाँ, उनसे कह दो, वैसे भी हानिया की यूनिवर्सिटी ख़त्म होने वाली है। अच्छा है ना, अपने घर की हो जाएगी। लेकिन अम्मी, हानिया को कोई एतराज़ तो नहीं होगा? नगीन, हमारे ख़ानदान में लड़कियों की राय की कोई अहमियत नहीं होती और ना ही उनके एतराज़ की कोई परवाह। और वैसे भी इस उम्र की लड़की को जिस रंग में ढालो ढल जाती है। हानिया तो शायद अपने ससुराल के तरीकों में ढल जाए, लेकिन सारा का क्या? वो तो एक मैच्योर लड़की है, जॉब करती है तो काफ़ी बोल्ड भी होगी। से तो हमारा घर कैद खाना लगेगा। अगर वो हमारे रंग ढंग में ना ढल सकी तो? उसे हमारे रंग में ढलने की जरूरत भी नहीं है नगीन। तुम हानिया के लिए रिश्ता देख रही हो ना, तो अली के लिए भी कोई लड़की नजर में रखो। वो निगाह हमारे यहाँ रिवाज नहीं है मंगनी को तूल देने का, इसलिए मैं आपसे बात करने आई थी। मैं अपनी बहू को रुखसत करके कब ले जाऊँ? रुखसती? शाजिया बहन, मैं इतनी जल्दी रुखसती कैसे कर सकती हूँ? अभी अभी तो बिलाल और मारिया की शादी हुई है और वैसे भी आप हमारे घर के हालात से तो बखूबी वाकिफ हैं। इसमें कम से कम 1-2 साल की मोहलत तो दीजिए। मोहलत तो तैयारियों के लिए चाहिए होती है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हम तो यहाँ पर अपनी बहू को लेने आए हैं, जहेज नहीं, और हमारी तरफ से कोई डिमांड भी नहीं है। और रही बात शादी की, तो मस्जिद में निकाह हो जाएगा और घर से रुखसती। और आप फिक्र मत करें, मस्जिद के और बाकी सारे इंतजामात हम देख लेंगे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सारा की शादी इस तरह करूंगी। देखिए निगाह, बेटियों की जिम्मेदारी से जितनी जल्दी सबकदोश हो जाए उतना ही अच्छा होता है। आप हाँ कह दीजिए ना। अम्मी, हाँ कह देना। ठंडे, ठीक है। अच्छा तो फिर बताए ना, अगले महीने की कोई तारीख रख लें। जी ठीक है, मेरे ख्याल में 20 तारीख मुनासिब रहेगी। बिल्कुल ठीक है। बेटा मुंह मीठा कराओ। जी जी जरूर।
माँ, मैं जानता हूँ कि आपको घर के मामलात घर से बाहर डिस्कस करना पसंद नहीं है, लेकिन अब मुझसे और सब्र नहीं होगा। हम उनसे डिमांड करके उनको प्रेशराइज कर सकते थे, फिर क्यों आपने सादगी से निकाह करने का कहा? मुझे सारा या उसके घर वालों से कोई हमदर्दी नहीं है शहीर, और उन्होंने सादगी से निकाह करने के लिए इसलिए कहा कि वो महंगा हॉल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी औकात नहीं है, और सस्ते हॉल में जाना हमें जेब नहीं देता। आखिर हमारे पूरे खानदान की इज्जत का सवाल है। मैं अली से कहूंगी कि जैसे मंगनी में सारे मामलात उसने खुद देखे थे, शादी के भी मामलात वो खुद ही देखे, सारा को शॉपिंग पे अपने साथ ले जाए। अगर उनके आसरे पे रहे ना तो अपने ही जैसे कपड़े बना कर ले आएंगे। बस भी कर दें भाई, थक जाएंगे। अरे नहीं यार, मुझे तो बस टेंशन हो रही है, अब तक आ जाना चाहिए था, आए क्यों नहीं है? चले आ भी। अल्लाह करे अच्छी खबर हो। हमें अंदाजा था कि तुम इसी तरह बेचैनी से हमारा इंतजार कर रहे होगे। नेक्स्ट मंथ की 20th तय हुई। अच्छा, मुबारक हो भाई। थैंक यू। लेकिन अमित, शादी की तैयारियां इतनी जल्दी कैसे होंगी? जल्दी तैयारियां सब कुछ क्या होता है, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, सब कुछ तुम्हें संभालना। मैं जानती हूँ शहीद, मैं तो बस ये कह रही थी कि... कुछ नहीं कह रही थी, बल्कि जाओ जाके कुछ स्पेशल बनवाओ, आज मेरे भाई की शादी है। शेर, ये बात तुम आराम से भी कह सकते थे। अच्छा अली, अब सारी जिम्मेदारियां तुमने संभाल ली हैं, सारा की शादी की शॉपिंग तुम खुद कराओगे। जी माँ। वाह माँ, इतना बड़ा चेंज, हमारे खानदान में तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। खानदान की लड़की नहीं है वो, अब तो इस घर में वो सब कुछ होगा जो आज तक नहीं हुआ। क्या हुआ अली, तुम खुश नहीं हो? नहीं नहीं भाई, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वक्त जल्दी गुजरेगा, बेहतर यही होगा कि तुम सारा को कल से उसकी शॉपिंग करवाना शुरू कर दो। जी भाई। दुल्हा भाई आ गए। चुप करो तुम, कुछ भी बोलती रहती हो। दुल्हा भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। मैं ड्रॉप कर देता हूँ, आप दोनों को आ जाइए। मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है, वैसे भी मेरी वैन आ गई है, मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय। चले। अपने मैनेजर से बोरो किए, आपसे पहली मुलाकात इसी गाड़ी में तो हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना शादी की पहली शॉपिंग भी इसी गाड़ी में कीजिए। वैसे आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, मैं शॉपिंग... देखिए, जब आप अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग पे जाएंगी ना, तो तब आपकी मर्जी होगी, जो चाहिए खरीदिएगा, लेकिन आज मैं अपनी खुशी से आपको शॉपिंग पे लेके जाऊंगा, आज मेरी मर्जी। प्लीज आइए। ये कैसा है? अच्छा है। अच्छा है ना भाई, मुझे तो वैसे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कर रहे हैं, रख देना बस। अरे बेबी बनने जा रही हैं आप मेरी। बीवी बनने का ये मतलब नहीं है कि आपके फजूल खर्ची की जाए। देखिए, आप पर मैं जितने भी पैसे खर्च करूंगा ना, वो फजूल खर्ची नहीं हो, वो बनते हैं। दीप, अच्छा लग रहा है ना आपकी जबान से मेरा वो। बस आप यूं ही मेरा नाम लिए जाएं,
और मेरी सारी बातें मान लेना है। देखिएगा सब और अच्छा हो जाएगा। अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके अलावा एक्सक्यूज मी ये ड्रेसेस जरा साइड पे रख लीजिए। मैं सारा क्या हुआ आप यूं इतनी उदास, ऐसे सब ठीक है ना? कुछ नहीं, दिल भी बड़ा अजीब है, कभी भी उदास हो जाता है। खैर दिल बिला वजह तो कभी भी उदास नहीं होता, कोई ना कोई वजह तो होती है। लेकिन अब हम शॉपिंग पे आए हुए हैं, मैं क्यों इस बात पर आपसे बहस करूंगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत शॉपिंग करनी है। अच्छा कुछ ड्रेसेस मैंने आपके लिए निकलवाए हैं, मैं कह रहा था कि दो तीन ड्रेसेस। अरे भाई sorry. क्या हो गया है, देख कर चलो। तमीज ही नहीं है यार कि... सॉरी मैं वो ड्रेसेस उनके काउंटर पे रखवाता हूँ, हम ज्वेलरी की शॉपिंग के लिए चलते हैं, ठीक है? एक मिनट में ये आप पैक कर दीजिए, हम जरा ज्वेलरी वगैरह लेने। थैंक यू, आए ज्वेलरी देख लें साथ साथ, आइए। क्या हुआ, क्या सोच रही हूँ? सोच रही हूँ कि जिंदगी में आगे बढ़ते वक्त पीछे मुड़ कर देखो तो एहसास होता है कितनी आजमाइशें, कितनी सख्तियां सह चुके हैं। जितनी आजमाइशें और सख्तियां सहनी थी तुमने सहनी, तो मेरे होते हुए कोई और मुश्किल नहीं आएगी तुम पर, ये वादा है मेरा तुमसे। सारा तुम ठीक हो ना? सारा जी अली बस चले यहां से प्लीज। हाँ रिलैक्स रिलैक्स चल रहे। ये दोनों बहन भाई कहीं गिले शिकवे खत्म ना कर लें। सोच मारिया, कुछ सोच। माशाल्लाह बहुत लंबी उम्र है तुम दोनों की। पता है मैं अभी फरा से कॉल कराने ही लगी थी, हालात ही इतने खराब है, जरा सी देर हो जाए तो दिल हौल जाता है। अरे नहीं आंटी, इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए। अरे अली भाई आप बैठिए ना, मैं चाय बना के लाती हूँ, दो मिनट लगेंगे। अरे नहीं नहीं चाय फिर किसी दिन, अभी दरअसल आंटी देर बहुत हो गई है, घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे, तो चलता हूँ मैं छोड़ के आता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ध्यान से जाएगा और पहुंच के मैसेज कर दीजिएगा। ओके अल्लाह हाफिज। हेलो कब तक इसी तरह मूड ऑफ रखेंगी? मूड ऑफ नहीं है मेरा, बस मैं मोहतात हो गई। मारिया ऐसी नहीं है, आप उसे गलत समझ रही हैं। वो कैसी है या कैसी नहीं मुझे नहीं मालूम, बस मुझे इतना पता है कि मेरा भाई उससे शादी करके अपनी बीवी को प्यारा हो गया।
मैं कभी बदलूंगा नहीं, हमेशा आपका ख्याल रखूं। ये सारे वादे याद है तुम्हें या सब भुला दिए? सब याद है मुझे, लेकिन सैम आप भी तो अपना रवैया देखे ना। सैम अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मारियम बिना गलती के सॉरी कह रही है, तो आप भी अपना गुस्सा खत्म कर दें। ठीक है, मैं भी खत्म कर देती हूँ अपना गुस्सा और नाराजगी। मैं जानता था सैम आप मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। Of course. मारिया को देखो, मेरे जल्दी मान जाने से कैसे शॉक्ड हो गई है। नहीं नहीं, मैं शॉक्ड नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ। अच्छा थोड़ी लगता है कि घर में रहें और दो कमरों में बंद रहें। आप दोनों के मान जाने की खुशी में क्यों ना एक फैमिली सेल्फी हो जाए। जरूर, लेट्स डू इट। मारिया स्माइल तो करो। मुस्कराओ ना। पिछले काफी दिनों से हमारे बीच में काफी स्ट्रेस था। अब सब कुछ ठीक हो जाने की खुशी में डिनर करें, माय ट्रीट। हाँ क्यों नहीं, मारिया चले। हाँ, जरूर। बस मुझे 10 से 15 मिनट दे, मैं तैयार होकर आता हूँ।